हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम वाइब्स। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ टू यूज एलोवेरा जेल फॉर योर स्किन इन समर। समर पे एलोवेरा जेल को आप किस किस तरह से यूज कर सकते हो फॉर सूदिंग, हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। नो मैटर व्हाट स्किन टाइप यू हैव, दे आर नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली, बट यू मस्ट हैव एलोवेरा जेल इन समर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पे भी मैं रील्स और इमेजेस शेयर करती रहती हूँ रिगार्डिंग हेल्थ एंड ब्यूटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फेस क्लींजर, और क्लींजर बनाने के लिए आपको इस तरह का एक एलोवेरा लीफ चाहिए। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो अमेज़ॉन से भी मिलता है आजकल, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। और हमेशा अच्छे ब्रांड के एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए। अगर आप अच्छे ब्रांड के नहीं यूज़ कर सकते तो इस तरह का प्लांट आप यूज़ कीजिए जो आपके पास है। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। इस तरह से इसका जो जेल है इसको निकाल लेना है और इसको अब हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये जो सारी चीज़ें मैं आज बनाना बताऊंगी, ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्किन के लिए, खासतौर पे समर पे। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद इसको हम एज ए क्लींजर यूज़ करेंगे। और इसके साथ अगर आप चाहे तो कप्पू या तो जो हम कैम्फर बोलते हैं वो आप ऐड करके इसके साथ यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम फेस पे अप्लाई करेंगे। और ये जो एलोवेरा जेल है ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, सूदिंग रखता है, अच्छी तरह से क्लीन करता है। तो ये जो एलोवेरा जेल है ना, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब इसको 10 मिनट रखने के बाद आप अच्छी तरह से फेस वॉश कर लीजिए। अब सेकंड हम बनाएंगे फेस स्क्रब, और उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल। मतलब मार्केट में जो एलोवेरा जेल मिलता है वो हम लेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून, और इसके साथ हम ऐड करेंगे कॉफ़ी। आप कोई भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, कॉफ़ी भी हमें चाहिए 1 टीस्पून। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। ये स्क्रब बहुत ही अच्छा है, आपके स्किन पे एक ग्लो लाता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को दूर रखता है। इस तरह से आप एक कंटेनर में इसको स्टोर करके 1 हफ्ता तक रख सकते हो। ये स्क्रब ख़राब भी नहीं होता। और इसको यूज़ करने का बेस्ट तरीका है, आप मॉर्निंग में डेली इसको अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, और 1 हफ्ता बाद आप ग्लो देखेंगे कि आपका स्किन कितना ग्लोइंग है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है वो चला जाता है, डेड सेल भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, रिमूव हो जाता है डेड सेल। तो हल्के हाथों से मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, जिस तरह से हम स्क्रब करते हैं जनरली, और उसके बाद हम वॉश कर लेंगे। अब हम बनाएंगे फेस टोनर। फेस को क्लीन करने के बाद जो एलोवेरा जेल बच गया है उससे ही हम फेस टोनर भी बना लेंगे। इसके लिए आपको एक स्प्रे बॉटल चाहिए, और हम यहाँ से लेंगे 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल, और इसके साथ ऐड करेंगे 8 टेबलस्पून पानी। यानी कि 1:2 रेशियो में आपको टोनर बनाना होगा। जितना आप एलोवेरा जेल लेंगे उसका डबल आपको पानी चाहिए होगा। और इसके साथ हम ऐड करेंगे एसेंशियल ऑयल। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लैवेंडर ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो टी ट्री ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब भी आप इसको यूज़ करोगे अच्छी तरह से बॉटल को शेक कर लीजिएगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाता है। और हमेशा क्लीन फेस पर इसको अप्लाई करना होगा। ये बहुत ही अच्छा फेस टोनर है, आप चाहे तो कॉटन पैड की भी मदद से इसको अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी स्किन को सूदिंग रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, और आपके स्किन पे एक ग्लो लाता है। आप इसको 1 हफ्ता फ्रिज में स्टोर करके आराम से यूज़ कर सकते हो, और 1 हफ्ता बाद आप डिफरेंस जो है आपके स्किन पे वो नोटिस करोगे। एंड नाउ वी विल गो फॉर एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट, और इसके लिए हम बनाएंगे क्रीम। और उसके लिए भी आपको एलोवेरा जेल चाहिए। मार्केट में जो एलोवेरा जेल मिलता है अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिए, और उसके साथ टी ट्री ऑयल,
हम लेंगे टी ट्री ऑयल। एक्ने स्पॉट को अच्छी तरह से ट्रीट करता है, पिंपल्स को हटा देता है, सिबम का जो प्रोडक्शन है, एक्सेस जो सिबम का प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल में करता है। तो इस तरह से हम एक क्रीम बना लेंगे। इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। इस तरह का ये क्रीम बन जाता है और इसको आप अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है, जहाँ पे भी पिंपल्स है, एक्ने स्पॉट है वहाँ पे। आप चाहे तो पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ओवरनाइट इसको अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जब भी आप इसको अप्लाई करोगे आपके फेस क्लीन हो। और दिन में 3 बार या 4 बार, कई बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट यू मेक श्योर कि एलोवेरा जेल अच्छे ब्रांड के हो। हमेशा अच्छे ब्रांड के एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दोस प्रोडक्ट्स आर लेस इन केमिकल्स। और हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, लेकिन क्वांटिटी इतना रहता है कि 3-4 महीने तक आराम से ये चल जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट से 150-200 रेंज का एलोवेरा जेल खरीदोगे तो वो प्रोडक्ट केमिकल से भरा होता है और वो एलोवेरा जेल आपके स्किन को रिपेयर करने के बजाय उल्टा डैमेज कर देता है और ख़राब कर देता है आपका स्किन। मार्केट में बहुत सारे अच्छे ब्रांड के एलोवेरा जेल है, आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर कर देना। और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में वो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप ग्रोइंग।